नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूँ आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो बिजनेस लॉ का है, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे आज कंपनी लॉ के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। कंपनी लॉ के मीनिंग को समझेंगे, कंपनी के टाइप्स के बारे में जानेंगे, कंपनी लॉ के डेफिनेशंस को जानेंगे और इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे, जो सेक्शन 2 के अंदर मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं उसका मीनिंग से, कि कंपनी लॉ का मीनिंग या फिर कंपनी का मीनिंग होता क्या है। देखिए, कंपनी जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, कॉम और पेनिस। कॉम का मतलब होता है टुगेदर और पेनिस का मतलब होता है ब्रेड। जो आज के कुछ टाइम पहले या फिर अभी भी बहुत लोग आप सुनते होंगे मार्केट में, कि किसी भी एक लोगों के समूह को हम लोग कंपनी के नाम से बोलते हैं, चाहे उसमें 10 लोग हो, 5 लोग हो, 2 लोग हो, 10, 7 लोग हो, जितना भी लोग हो, एक से ज़्यादा जितने भी लोग हैं और वो कहीं जा रहे हैं या फिर कुछ खा रहे हैं, तो उन्हें हम लोग कंपनी कहते हैं। आज से कुछ टाइम पहले 2013 से पहले यहाँ पे बताया गया था, कंपनी के अनुसार, कंपनी लॉ के अनुसार, द एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु टुक देयर मील्स टुगेदर, एक ऐसा समूह जो अपना खाना, अपना भोजन एक साथ खाता है या फिर एक साथ करता है और एक साथ मिलकर खाता पीता है, उसको हम लोग कंपनी कहते हैं। अगर उसका जनरल मीनिंग उसका समझेंगे, कंपनी का जनरल मीनिंग क्या होता है, कंपनी मीन्स एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एक लोगों के समूह को हम लोग कंपनी कहते हैं। अब वो कितने तरह के होते हैं पर्सन, वो कितने टाइप के पर्सन होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल पर्सन क्या होता है, जैसे कि मैं, आप, आपके दोस्त, मेरे दोस्त, ये नेचुरल हो जाते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन में क्या होना चाहते हैं, जो कंपनी के लोग होते हैं, यानी कि जिनको कंपनी के बारे में मालूम होता है। मान लीजिए मेरा कोई कंपनी है, मयंक स्टडी पॉइंट मेरा एक कंपनी है, ऑफिशियली है भी ये मयंक स्टडी पॉइंट मेरा कंपनी है। इसके अंदर मैं अगर किसी को रखता हूँ, किसी टीचर को रखता हूँ जो आपको क्लास दे, या फिर किसी स्टूडेंट को, पर्टिकुलर स्टूडेंट को रखता हूँ जो मेरा चैनल के बारे में थोड़ा सा प्रमोट करता है, तो उसे मैं अपने चैनल के बारे में हर वो डिटेल्स बताऊँगा, ताकि वो लोगों को मेरे चैनल के बारे में बता सके कि इस चैनल पे हम लोग को PPT मिलता है, सबसे अच्छा कॉन्टेंट मिलता है, सबसे अच्छा टॉपिक मिलता है, हर तरह से हेल्प मिलता है, PDF मिलता है, नोट्स मिलता है, ये सारा चीज़। तो ये होता आर्टिफिशियल, कि मैंने उसे तैयार किया है, उस चीज़ के लिए रेडी किया है, ताकि वो मेरे कंपनी के बारे में लोगों को बता सके और मेरे कंपनी से लोगों की मदद कर सके। तो ये होता है नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन का अंतर। फिर ये फॉर्मेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 3 में रजिस्टर्ड होता है। सेक्शन 3 के अंदर हम लोग को फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, यानी कि हम लोग को प्रोसेस का पता चलता है, कि रजिस्ट्रेशन किस प्रोसेस पे होगा, कंपनी को किस प्रोसेस पे, किस कौन से सेक्शन पे रजिस्टर किया जाता है, ये पता चलता है सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 के ऊपर भी हम लोग आएंगे अभी। तो ये कंपनी एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 3 में लागू किया जाता है कंपनी। ये तो मीनिंग हो गया। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी, सबसे पहले आता है सोल प्रोप्राइटर या फिर वन पर्सन कंपनी, जिसमें सिर्फ एक ही मालिक होता है, उस कंपनी को चलाने वाला एक ही बंदा होता है, उसके अलावा और कोई नहीं होता। इसके ऊपर हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, अभी मैं आपको शॉर्ट्स में बता रहा हूँ। तो उसके बाद आता है कि प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, ये होते हैं प्राइवेट कंपनी के आदमी लोग। फिर आता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में कौन आता है, जो जिसमें 7 मेंबर्स होते हैं या फिर 7 मेंबर से ज़्यादा होते हैं। अगर 7 मेंबर से कम हुआ तो वो प्राइवेट हो गया, और 2 मेंबर से कम हो गया तो वो वन पर्सन कंपनी हो गया। अब ये सारे कंपनी चलने का, होने का एक प्रोसेस होता है, उसे हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते वो समझते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ कंपनी तो हम लोगों ने समझ लिया। अब इसका एक प्रोसीजर होता है जो सेक्शन 3 के अंदर मिलता है, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे
देख सकते हैं, जो सेक्शन 3, 1 और 2 में देखने को मिलता है। 1 में हम लोग को बेसिकली मेमोरेंडम का पता चलता है कि अगर आप सिंगल वन पर्सन कंपनी चला रहे हो, वन पर्सन कंपनी ओनर हो, तो भी आपको एक अपने मेमोरेंडम में एक एक्स्ट्रा लोगों का, एक एक्स्ट्रा आदमी का जरूरत नाम लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप कंपनी चलाते चलाते किसी दिन आपका डेथ हो जाए, ये हो सकता है। तो उसको बताने के लिए, उस कंपनी पे आगे काम करने के लिए, अकॉर्डिंग टू एक्ट के थ्रू या फिर अकॉर्डिंग टू लॉ, आपको एक और पर्सन रखना होगा जिसको आप, जो आपके नहीं होने का फायदा, नहीं होने के कारण भी अपना, आपका कंपनी को आगे बढ़ा सके। ऐसा नहीं कि आपका डेथ हो गया तो आप अपने कंपनी, आपका कंपनी भी बंद हो गया, ऐसा नहीं होता। फोर्ड चलता है, फरारी चल रहा है, रतन टाटा का हुंडाई चलता है, ये सारा चीज़, जितना भी इंडिया में जितने भी बड़े कंपनीज है, जितने भी बड़े कंपनीज है, उन सभी का अगर मेन ओनर का डेथ हो भी जाता है, लेकिन उसको चलाने वाला कोई होता। अगर कोई सिंगल वन पर्सन कंपनी है, जैसे कि मार्क जुकरबर्ग का फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, तो ये सब क्या है, ट्विटर नहीं है बेसिकली, इंस्टाग्राम है, ये सब क्या होता है कि वो वन पर्सन कंपनी है। अगर मार्क जुकरबर्ग कभी डेथ हो जाता है, लेकिन उसके साथ अगर उसका कोई मेमोरेंडम में हो, उसका वाइफ हो, उसका घर का मम्मी पापा भाई बहन कोई भी हो, उसका गर्लफ्रेंड हो, तो उसको जब इसके बारे में मालूम हो, तो वो एक्ट के थ्रू उसका राइट होता है कि वो उस पर काम कर सकती है, कंपनी को आगे बढ़ा सकती है, कंपनी को चला सकती है, कंपनी बंद नहीं होगा मार्क जुकरबर्ग के डेथ होने के बाद। तो ये एक एग्जांपल है। तो ये होता है सेक्शन 3(1) में। अब 2 में क्या होता है, 2 में 3 तरह के पॉइंट्स हमको देखने को मिलते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कंपनीज जो है रजिस्टर्ड होंगे, किस तरह के कंपनीज रजिस्टर्ड होंगे। तो कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स, जिसका शेयर, कंपनी जिसका शेयर से चलता है वो जुड़ेगा। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, वो जुड़ेगा, वो रजिस्टर्ड कर सकता है। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड गारंटी, ये वो अनलिमिटेड गारंटी वाला कंपनी रजिस्टर कर सकता है। अब यहाँ पे बात आएगा, आपके मन में बात आता होगा कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है, जो सेक्शन 2(22) में मिलता है। सेक्शन 2(22) में लिमिटेड बाय शेयर्स को ये बताया गया कि जो भी लोग आपके कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, तो आपको जो आपके कंपनी का शेयर खरीद रहा है वो, उसका पेमेंट अनपेड है अभी, तो उसका आपका दायित्व तो बनता है, आपका लायबिलिटी बनता है कि उसके पेमेंट्स, उसके शेयर के हर पेमेंट्स को आप प्रोसीड करें और उन तक पहुंचाएं, पेमेंट उनका करें। हो सकता है वो आज 200 रुपये का हो, कल वही शेयर 400 रुपये का हो जाए, तो ये भी हो सकता है। तो ये है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, सेक्शन 2(21). इसमें क्या होता है कि एक गारंटी लिमिट होता है, इसमें आप जो आपके कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है, या फिर अपने, आपके कंपनी का मेमोरेंडम पर्सन बनना चाहता है, तो उसका एक लिमिट प्राइस होता है कि आप इतना ही इन्वेस्ट कर सकते हो। आप 10 रुपये ही इन्वेस्ट कर सकते हो, 15 रुपये नहीं कर सकते हो, 11 रुपये नहीं कर सकते हो, आपको 10 लाख ही इन्वेस्ट करना है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो ये एक लिमिट होता है, तो जो सेक्शन 2(21) के अंदर पाया जाता है, रजिस्टर्ड होता है, पाया नहीं जाता, रजिस्टर्ड होता है। फिर अनलिमिटेड गारंटी, सेक्शन 2(92). अनलिमिटेड गारंटी में क्या होता है कि आप जितना चाहो अपना पैसा कंपनी में लगा सकते हो। तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अंधा पैसा लगाते हैं, कभी 5 लाख, कभी 10 लाख, कभी 15 लाख, क्योंकि वो बिजनेस, वो मार्केट को समझ रहे होते हैं, उस कंपनी के बिजनेस को समझ रहे होते हैं, वो कंपनी को समझ चुके होते हैं कि कंपनी कितना प्रॉफिट करने वाला है, कैसा चल रहा है, ये सारा चीज़। तो कंपनी का हमने यहाँ पर कुछ फोटोज़ लगा के रखा है कि सिंगल वन पर्सन कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनीज क्या है, जो एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होता है सेक्शन 3 के अंदर। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था एक, जिसके अंदर हम लोग ये भी बात कर सकते हैं कि सेक्शन 3 के अंदर, सेक्शन 3(1) के अंदर आप जो मेमोरेंडम का दूसरा नाम लिख रहे हो, मेमोरेंडम जो आप मेमोरेंडम पर्सन का दूसरा नाम लिख रहे हो, उसका क्या क्या कारण हो जाता है कि अगर आपका डेथ हो गया, या फिर आप उस समय नहीं हैं, या फिर आप किसी एक ऐसे मीटिंग में हैं लेकिन आपका वो दूसरे मीटिंग में भी जाना जरूरी है लेकिन आप नहीं जा पा रहे, तो आप अपना मेमोरेंडम का जो रजिस्टर में नाम लिखे हो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो जाकर उस मीटिंग को पूरा कर सकता है, वो जाकर अपने कंपनी के राइट से, अपने एक्ट के राइट से वो उस पर एक्शन ले सकता है, उस कंपनी पे एक्शन ले सकता है, उस काम पे एक्शन ले सकता है,
उसका रजिस्ट्रेशन के टाइम क्या होता है, आप जब अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते कंपनी का जब आप कहीं रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते, तो आपको वहाँ पे अपने नाम के साथ साथ मेमोरेंडम में उनका भी नाम रखना पड़ता है। और आप चाहो तो इस नाम को बाद में चेंज कर सकते हो, कंपनी का नाम भी आप चेंज कर सकते हो, साथ में अगर आपको किसी और आदमी को रखना है उसके जगह तो उसे भी चेंज कर सकते हो। लेकिन ये सारा चीज़ होने के बाद आपको इमीडिएट जो है रजिस्ट्रार में आपको रजिस्ट्रार ऑफिसर को आपको बताना पड़ता है, चाहे वो एप्लीकेशन के थ्रू हो या फिर खुद फिज़िकली जाकर हो, मीटअप के थ्रू हो, लेकिन ये आपको बताना पड़ता है। तो ये सेक्शन 3(1) के अंदर आता है। अब हम लोग डेफिनेशन के बारे में जानेंगे जो 2013 के अंदर कंपनी लॉ का डेफिनेशन दिया गया 1956 और 2013 में। बेसिकली 1956 में किसी तरह का डेफिनेशन क्लियरली नहीं बताया गया था, वो बहुत ही वेग था, बहुत ही अनप्रॉपर था। लेकिन 2013 में इसका कंपनी लॉ का प्रॉपर डेफिनेशन दिया गया, और अभी भी बहुत सारे ऐसे डेफिनेशंस अगर आप गूगल करते हो तो आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन हम लोग को ये देखने को मिलता है कि एन एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट मनी और मनीज वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय इट इन सम ट्रेड और बिजनेस एंड हु शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग देयर फ्रॉम। तो यहाँ पे उस लोगों के समूह को, उस एसोसिएशन को बताया जा रहा है कि जहाँ पे लोग अपने पैसे को कंट्रीब्यूट करके स्टॉक बनाकर उस लोगों को एम्प्लॉय देते हैं और काम करते हैं और काम करवाते हैं, बिजनेस करते हैं, और साथ में जो भी उनका प्रॉफिट हुआ है, जो भी उनका लॉस हुआ है, अपने अपने शेयर के अनुसार उसे अपने आप में बांट लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी कंपनी का लॉस हुआ है तो लोग जितने 10 लोगों ने या 7 लोगों ने या 2 लोगों ने जितना जितना पैसा लगाया था उसको उस हिसाब से उनका प्रॉफिट या फिर उनका लॉस दे दिया जाता है, बता दिया जाता है कि आपको इतना लॉस हुआ है, आपको उतना लॉस हुआ है। ये होता है शेयर मार्केट, जो कि आप बिजनेस स्टडीज़ में तो पढ़ते ही हो, और साथ में अकाउंटेंसी के अंदर भी आपका एक चैप्टर आता है पार्टनरशिप, उसमें आप लोग का ये कंपनी और भी क्लेरिफाई हो जाता है। द कॉमन स्टॉक ऑफ कंट्रीब्यूट इज डिनोटेड इन मनी एंड इज द कैपिटल ऑफ द कंपनी। और जो कॉमन स्टॉक होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं पैसा का कैपिटल से, कैपिटल ऑफ कंपनी से भी डिनोट करते हैं। द पर्सन हु कंट्रीब्यूटेड इन इट अ फॉर्म इट और टू हुम इट बिलोंग्स आर मेंबर्स। और ये उनके लिए, उन पर्सन्स के लिए कंट्रीब्यूटेड होता है जो उसके कंपनी के साथ है या फिर उस कंपनी के साथ जुड़ने वाले हैं या फिर उस कंपनी के मेंबर हैं, उनके साथ कंट्रीब्यूट किया जाता है, चाहे वो लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो। द पोर्शन ऑफ कैपिटल स्टॉक टू विच ईच मेंबर हैज़ कंट्रीब्यूटेड एंटाइटल्ड इज हिज शेयर। द शेयर्स आर ऑलवेज ट्रांसफरेबल ऑल्दो द राइट टू ट्रांसफर देम मे बी रिस्ट्रिक्टेड। तो ये सारा चीज़ बताया गया कि वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होता है उनको हर तरह का, इसी चीज़ को हम लोग शेयर बोलते हैं कि आप उसका प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने कंपनी से उसे दे रहे हो, अपने कैपिटल से उसे दे रहे हो, तो इसे ही हम लोग शेयर कहते कि उसका उतना शेयर था तो उसको उतना शेयर का पैसा मिला। तो ये कंपनी एक्ट का डेफिनेशन हो गया, कंपनी लॉ का डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जानते हैं कि इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, इनकॉर्पोरेशन को भी हम लोग रजिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, रजिस्ट्रेशन उसे भी कहते हैं, जो सेक्शन 2 के अंदर बताया गया है। 2 और 20, सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर बताया गया कंपनी लॉ कंपनीज एक्ट 2013 में कि एक कंपनी मीन्स अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म रजिस्टर अंडर पर्सन प्रेजेंट लॉ कंपनी 2013 और प्रीवियस कंपनी एक्ट। तो यहाँ पे सेक्शन 2(20) में ये बताया गया कंपनी लॉ को किस तरीके से रजिस्टर किया जाता है, कंपनी को कहाँ रजिस्टर किया जाता है, किस लॉ के अंदर, किस एक्ट के अंदर रजिस्टर किया जाता है, और 2013 के पहले कौन कौन से एक्ट थे, 1956, 1982, इसके अंदर भी रजिस्टर होता है। तो इसके भी कुछ प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन होने का भी कोई प्रोसेस है। तो आपको ये इमेज में आपको देखकर समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको और भी अच्छे से बता दूं, जो सेक्शन 7 में बताया गया है प्रॉपर। सेक्शन 7 में क्या बताया गया कि आपको अपना कंपनी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्टर करवाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फाइल करना होगा जो रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको मिलता है, और उस एप्लीकेशन में आपको क्या 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 इंक्लूड करना होगा कि मेमोरेंडम
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसे हम लोग MOA भी कहते हैं, उसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसे हम लोग AOA भी कहते हैं, और कॉपी ऑफ एग्रीमेंट ऑफ कंपनी। और कंपनी का एग्रीमेंट, जो लोग आपके साथ मिलकर काम कर रहे, जितने पर्सन्स आप लोग मिलकर काम कर रहे, बिजनेस को आगे बढ़ा रहे, और जितने उन सभी का नाम, उन सभी का प्रोसेस पूरा लीगल प्रोसेस के थ्रू होता है। और फिर लास्ट में आपको एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन पेज भी देना पड़ता है, जिसके अंदर साइन रहता है आपका कंपनी का एडवोकेट का, या फिर आपके कंपनी का कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर डायरेक्टर ऑफ कंपनी, या फिर मैनेजर, या सेक्रेटरी ऑफ कंपनी। इन सब का सिग्नेचर वैल्यूएबल होता है और लीगल होता है, कि अगर आप अपना कंपनी का इन लोगों का सिग्नेचर अगर देते हो रजिस्ट्रार ऑफिस में एक एग्रीमेंट में, तो आपका एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया जाता है। और अगर ये इन सभी में से किसी का भी अगर आपका सिग्नेचर नहीं होता है, तो उसको अप्रूव करना मुश्किल हो जाता है। बेसिकली आज के टाइम पे एडवोकेट्स, अगर किसी कंपनी में कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं भी है, तो वो एडवोकेट के थ्रू रजिस्टर करवा देता है, जो सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर मिलता है। तो सेक्शन 7 में ये आपको अच्छे समझ में आया होगा कि कंपनी लॉ किस तरीके से रजिस्टर होता है, कितने तरह के कंपनीज होते हैं, कंपनी कैसे बना है, कहाँ से बना है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने यही जाना। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आज के अंत में, कि आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देख लें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर बताइए, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आगे मैं वीडियो बनाने की, और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ।